एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है मैंने आपके द्वारा ही पिक किया है। जैसे कि सनस्क्रीन की बात करती हूँ मैं, जैसे मेडिकेटेड क्रीम के जब मैं रिव्यू करती हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर आप उस प्रोडक्ट को ट्राई कर रहे हो तो आपको अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कितनी भी महंगी क्रीम लगाएं कोई भी उसका फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपको उसके उल्टे रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब गोरे होने के चक्कर में आप काले हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सनस्क्रीन जो है बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप मेडिकेटेड क्रीम लगाएं या ना लगाएं, सनस्क्रीन तो आपको ट्राई करना ही करना है। तो यहाँ पे मैं जो एक सनस्क्रीन है जो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि जो रेड वाइन है पिलग्रिम की, उसे ट्राई कीजिए। बस वो SPF 30 के साथ आती है। तो मेरे पास जो टॉपिक है इसमें है कि मैंने दो क्रीम खुद ही ट्राई करी हैं, खुद ऑर्डर किया था, अपने स्किन पे अप्लाई किया, उसके बाद मैंने इनके रिव्यू किए थे। तो इसमें जब मैंने इससे रेड वाइन तो मैंने बाद में किया था, इससे पहले जब मैंने रिव्यू किया था तो वो था वाइट लोटस डे क्रीम, जो कि SPF 50 के साथ आती है। ठीक है, उसकी बात करेंगे और बात करेंगे जो रेड वाइन सनस्क्रीन है, मतलब क्रीम है एक्चुअली, वो SPF 30 है तो वो एक सनस्क्रीन में आ गया क्योंकि वो सन प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे मुझसे पूछा गया है कि इन दोनों में से क्या बेटर है और क्या अंतर है। देखिए, ज़्यादा तो अंतर नहीं है, फॉर्मूले का अंतर है, स्किन टाइप का अंतर है, बाकी स्किन को प्रोटेक्ट दोनों ही करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में से मैं जो सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड करती हूँ वो रेड वाइन पिलग्रिम। तो यहाँ पे दोनों क्रीम के डिफरेंस की बात की गई कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइस की। तो जो लोटस का जो वाइट लोटस क्रीम है, जो कि SPF 50 के साथ आती है, जो कुछ इस तरह से है, इसका जो प्राइस है, इसका जो प्राइस मिलेगा आपको ये है 475। ठीक है, 5% डिस्काउंट के बाद इसका जो प्राइस है वो है 475 भी आपको मिलेगी। और बहुत अच्छी क्रीम है ये, इसका रिव्यू आप देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के एंड पे दे दूँगी, इसका रिव्यू देख लीजिएगा आप, जिससे आप और भी अच्छे से देख पाओगे कि क्या दोनों में अंतर है। दोनों वीडियो देख लेना आप। ठीक है, और बाकी जो सेकेंड वाली है पिलग्रिम की रेड वाइन डे क्रीम, जो कि SPF 30 के साथ आती है, मतलब ये SPF 50 के साथ आती है और ये SPF 30 के साथ, दोनों ही क्रीम आपको सन से प्रोटेक्ट करेंगी। ऐसा नहीं कि SPF 30 है तो ये कम करेगी, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा करेगी। अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले प्राइस का है। तो प्राइस जो है लोटस वाइट का जो प्राइस है वो 475 है। ठीक है, लेकिन अगर हम पिलग्रिम रेड वाइन की बात करें, जो कि SPF 30 के साथ आती है, इसका जो प्राइस है वो 523 है। मतलब इसका प्राइस ज़्यादा है और ये ज़्यादा अच्छी भी है, क्योंकि इसी क्रीम को मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को कहती हूँ कि आप इस क्रीम को ट्राई करो। ये सिर्फ सन से आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, साथ में आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, हाइड्रेट करेगी और आपके स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करके रखेगी। ठीक है, सिर्फ सन प्रोटेक्शन का काम नहीं करेगी, एक होता है अलग से सनस्क्रीन लगाना, वो सिर्फ आपके आपको सन से प्रोटेक्ट करती है, बाकी उसका कोई काम नहीं होता। बट ये क्रीम जो है ना, इसके और भी फायदे हैं, इसलिए मैं हमेशा इस क्रीम को ही बोलती हूँ कि अगर आप मेडिकेटेड क्रीम ट्राई करते हैं तो आपको इसे ही ट्राई करना है। अभी तक मैंने इतनी सनस्क्रीन ट्राई करी हैं, इतनी क्रीम ट्राई करी हैं जो कि SPF 50 के साथ आती हैं, 30 के साथ आती हैं, SPF 25 के साथ आती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो रिज़ल्ट मिला मुझे उसका मिला, क्योंकि ये ना ऑल स्किन टाइप है, चाहे ड्राई हो या ऑयली हो, ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। लेकिन अगर हम बात करें वाइट लोटस की, तो ये ऑयली स्किन को ये थोड़ा ऑयली कर सकती है, विंटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। विंटर में आप इसे ट्राई कीजिए और समर में आप इसे ट्राई कीजिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप विंटर में पिलग्रिम की रेड वाइन क्रीम ट्राई करते हैं जो कि SPF 30 के साथ आती है, तो ये विंटर में क्या होता है ना, स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेगी, स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी। तो इसलिए विंटर में आप वाइट लोटस क्रीम ट्राई कर लीजिए और समर में आप इसे ट्राई कीजिए, ऑल स्किन टाइप है समर सीजन के लिए। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे आपको और बिल्कुल भी स्किन डार्क नहीं होगी। आप कितनी भी कैसी भी मेडिकेटेड क्रीम ट्राई करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या ट्राई करना है। प्राइस वगैरह मैंने बता दिया, स्किन के अकॉर्डिंग आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ और किसी नए हॉल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।